जिले सहित शहर में रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। आपको बता दें कि विजय बिल्डर्स के ठेकेदार कर्मचारी के खिलाफ थाने में ज्ञापन सौंपा गया है। गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। जिले में अवैध वसूली का एक और नया फंडा एक अंदाज में शुरू हुआ है। अभी तक तो ये वसूली गेल और घाटों पर होती थी, पर अब रेत और भसुआ की रॉयल्टी के नाम पर शहर के बीचों बीच ये की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक किसान बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से भसुआ खरीद कर ले जा रहा था। रास्ते में ठेकेदार के कर्मचारी आ धमके और कहने लगे ट्रैक्टर रोको। इसके बाद उन्होंने किसान से पूछा कि आपकी रॉयल्टी रसीद बताओ। उन्होंने कहा कि हम तो विक्रेता से लेकर आए हैं, फिर हम रॉयल्टी क्यों दें। ऐसा कहने पर किसान से उक्त ठेकेदार के कर्मचारी अभद्रता करने लगे और 1500 की रॉयल्टी रसीद कटवाओ, नहीं तो ट्रैक्टर खनिज विभाग के हवाले या फिर थाने में रखवा दो। श्याम इंटरप्राइजेस कुशमौदा चौकी के पास हरीश शर्मा की दुकान है। उक्त दुकान का एक किसान भसुआ लेकर अपने गाँव जा रहा था। रास्ते में मैसर्स विजय बिल्डर्स रेट ठेकेदार के कर्मचारी बताकर रॉयल्टी की रसीद काटने लगे तो विवाद बढ़ गया। किसान ने ये सूचना दुकानदार हरीश शर्मा को दी तो वो मौके पर पहुंचे और इसके बाद ये मामला दुश्मनी में बदल गया। ठेकेदार के कर्मचारियों ने गाली गलौज कर मारपीट करने की धमकी दी। इससे भयभीत दुकानदारों ने कैंट थाने में अवैध वसूली से संबंधित उक्त कर्मचारी के खिलाफ आवेदन दिया है। ज्ञापन में दुकानदार हरीश कुमार शर्मा ने कैंट थाने में दिया आवेदन में उल्लेख किया कि वो भसुआ गिट्टी सीमेंट की श्री श्याम इंटरप्राइजेस के नाम से कुशमौदा चौकी के पास दुकान है। उनकी दुकान से 28 अगस्त को 11 बजे किसान ग्राहक आधी ट्राली भसुआ खरीद कर ले गया। तभी रास्ते में पप्पू साहू पुत्र कमल लाल साहू निवासी पिपरौदा खुर्द नाना खेड़ी और उसके तीन अन्य साथी आए और 1500 रुपए की अवैध वसूली करने लगे। इस पर किसान ने बोला कि मैं तो दुकान से ही खरीद कर लाया हूँ। इस दौरान ठेकेदार विजय बिल्डर्स के कर्मचारी किसानों से गाली गलौज करते हुए ट्रैक्टर को थाने में ले जाने की धमकी दी। इसके बाद दुकानदार को फोन कर धमकी दी गई। फिलहाल इस मामले में आवेदन पुलिस की जांच में है। अब देखना यह है कि इस तरह से वसूली कर रहे माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। क्या हुआ है सर? हम यहाँ से भसुआ भर के ले जा रहे थे, यहाँ पर रॉयल्टी थी और आगे निकल गए थे पिताजी, मैं आ रहा था पीछे, ठीक है। हम वहाँ पे भांजल के वहाँ पे टाइल्स लेना थी, वहाँ पे हमने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। दो लोग आए, पप्पू साहू और एक और कोई साथ में था, उसने रोका, उन्होंने कहा रॉयल्टी बताओ। तो रॉयल्टी हमारे थोड़े पीछे थी, उन्होंने कहा रॉयल्टी बताओ, नहीं 1500 रुपए लगेंगे। किस बात के 1500 रुपए लगेंगे? ये भसुआ भर के लाए हो आप, रॉयल्टी नहीं है आपके पास। रॉयल्टी पीछे थी, पापा जी ला रहे थे, मैं आगे निकल गया था, उन्होंने बहुत बहस की और थाने ले जाने की बात कर रहे थे। चलो थाना चलना है तुम्हें, वही निपटना है, हम कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपके पापा का? मेघराज जी। तो इसके बाद फिर उन्होंने बहुत बहसबाजी की है और रॉयल्टी भी बता दिया, बहुत गर्म हो रहे थे वो। उस शर्मा जी है उनसे भी उल्टा सीधा बोला उन्होंने। क्या हुआ आपके साथ? भसुआ लेने आए थे, सो ये कौन से महाराज है? शर्मा जी के यहाँ से फिर हमें टाइल्स लेना थी तो हम बांजल के यहाँ पहुंचे। वहाँ पहुँचने के बाद पप्पू साहू या फिर बिल जो हमारे दीवार की रसीद बताओ, हमने घर पर रसीद बताई, उन्होंने कही तो वो 1500 रुपये ऑनलाइन करवाओ। किस बात के 1500 रुपये लिए जा रहे थे आपसे? रसीद ना होने के बाद। अच्छा, रसीद वाला जो पीछे आ रहा था तो वो क्या खनिज विभाग की तरफ से थे? ये जानकारी नहीं। किस जगह की बात है ये? पांजल की स्टोर है ना, 40 शोरूम।